सो गाइस, सबसे पहले आप सब हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देखेंगे, यहाँ पर जो मुझे लिमिट पहले से अप्रूवल मिला हुआ है 1500 रुपये का लिमिट मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, रिन्यू योर क्रेडिट लिमिट है, इस वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर वाले पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा लिमिट यहाँ पर देखेंगे कि पूरे यहाँ पे पहले जो लिमिट था वो मेरा 1500 रुपये का था, लेकिन अब यहाँ पे जो लिमिट मुझे हो रहा है 2000 रुपये का लिमिट मेरा यहाँ पे, मतलब कि लिमिट जो है मेरा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 1500 से 2000 रुपये का लिमिट हुआ है। तो अगर आप सबको भी गाइज पर्सनल लोन की ज़रूरत है, पैसा नहीं है, पैसा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सब पूरे 5000 रुपये तक का क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, जिसको अभी के अभी आप सब अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। हालांकि मैं यहां से कई बार अपने बैंक अकाउंट में पैसा भी ले चुका हूं और इसको रिटर्न भी कर चुका हूं। अगर आप सब यहां पर पैसा को लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड से, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। ये जो एप्लीकेशन है गाइस, आप सब यहाँ पर देखेंगे कि RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, NBFC एप्लीकेशन है, तो कैसे अप्लाई वगैरह करना है सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप सब प्ले स्टोर पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है फिनसरा लिख करके। अगर आप सब यहाँ पर सर्च करते हैं तो इस एप्लीकेशन का जो लोगो दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसी एप्लीकेशन को आप लोगों को यहाँ से जो है इंस्टॉल करना है। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोग इसी एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर गाइज लिमिट आप लोगों को जो है यहाँ पे 5000 रुपये तक का गेट लिमिट जो है अप्रूवल दिया जाता है, जिसको कि आप तो अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। तो आप लोग इसी एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों अब आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएगा। तो इंडिया मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, जिसमें 5000 रुपये तक का लिमिट आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप सब यहां पर क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड है इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आप सबको अपना मोबाइल नंबर से यहां पे साइन अप करना है, तो आप सब अपना मोबाइल नंबर को यहां पर डालेंगे और डालने के बाद यहां पे सबमिट का ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो आप सबके मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएंगे। तो आप सब यहाँ पर 2-4-10 सेकेंड जो है वेट करेंगे। तो हमारा OTP यहाँ पर आ चुका है। तो अब आप लोगों का गाइस यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है डिटेल्स में दिया गया है। जैसे कि गाइस सबसे पहले आप सबको यहां पर लगेगा पैन कार्ड स्टेप 1 में, उसके बाद आप सबको आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद क्लिक ए वीडियो सेल्फी लेना होगा और उसके बाद यहां पे रेफरेंस नंबर देना होगा। तो रेफरेंस नंबर जो है आप सब यहां पे अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का देंगे या फिर किसी दोस्त यार का यहाँ पर नंबर जो है दे देंगे। अगर आप लोग मान लीजिए कि स्टेप बाई स्टेप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका वीडियो भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे, वीडियो के ऊपर चले जाएंगे और कैसे आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कुछ स्टेप को कर चुके हैं, तो आप सबको इसी तरीके से करना है। प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे और करने के बाद दोस्तों देखिए कि हमारा पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप सबको अपना यहाँ पे इंटर योर पैन नंबर है, इस वाले में पैन नंबर को डालेंगे, उसके बाद फुल नेम जो पैन कार्ड पे है उस नाम को यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप सब शादीशुदा हैं या फिर सिंगल है, अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि नो चिल्ड्रेन, अगर आप सबके पास कोई बच्चे हैं उसका संख्या है तो यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का कितना है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो आप सब जितना पढ़े लिखे हैं अपने हिसाब से यहाँ पर चयन कर लेंगे। उसके बाद इंटर योर ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो जो भी ईमेल आईडी आप सब यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड है इस वाले पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस स्टेप को कम्प्लीट करते हैं। तो एकाएक ही करके जो है गाइस सभी स्टेप को आप लोग यहाँ पर कम्प्लीट कर लेंगे। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर कम्प्लीट कर चुके हैं, तो मेरा जो लिमिट यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ था, देखिए कि 1500 रुपये का लिमिट मिला हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे उस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ले करके इसको रीपेमेंट कर दिए हैं। तो अभी देखेंगे कि हमारा जो यूज लिमिट में है बिल्कुल 0 है, सभी 1500 रुपये यहाँ पे अवेलेबल लिमिट में ही है, अभी हम फिलहाल इस लिमिट को यूज नहीं किए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक ऑप्शन आ रहा है रिन्यू योर क्रेडिट लिमिट, तो हम इस वाले पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर वाले पे क्लिक करेंगे। तो करने के बाद अब यहाँ पर देखिए कि हमारा लिमिट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि बढ़ गया है। पहले जो मेरा लिमिट था यहाँ पे 1500 रुपये का था, लेकिन न्यू लिमिट में यहाँ पर देखेंगे कि 2000 रुपये हो गए हैं। तो 1500 का जो लिमिट था उसको अगर हम अपने बैंक अकाउंट में लेते थे तो मुझे यहाँ पे 119 रुपये इंटरेस्ट लगते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2000 का लिमिट हो गया है, तो अब जो मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट लगेंगे वो यहाँ पर लगेगा 159 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप सब इस लिमिट को लेना चाहते हैं तो आप सब यहाँ पे इंक्रीज लिमिट है,
इस वाले पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमको लिमिट यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो पूरी डिटेल्स में यहाँ पे अब आप लोगों को दिखाया जाएगा। लिमिट हमारा जो है वो 2000 रुपये का है। विड्रॉवल अमाउंट जो होगा वो होगा मेरा यहाँ पे 1961 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, और उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ पर लगेंगे 159 रुपये, और लिमिट इंक्रीज फीस यहाँ पर लगे हैं 39 रुपये, और टोटल जो हमको बाद में इसको रीपेमेंट करना होगा 2159 रुपये। तो हम इस लिमिट को लेना चाहेंगे तो इस बॉक्स में यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और करने के बाद एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब हमारा लिमिट जो है यहाँ पर देखेंगे कि इंक्रीज हो चुका है। तो हमारा लिमिट यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल इंक्रीज हो चुका है। पहले जो मेरा लिमिट था वो 1500 रुपये का था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि 2000 रुपये का लिमिट मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो ये मेरा लिमिट अप्रूवल मिल चुका है। अब इस लिमिट को आप सब अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेंगे, तो बैंक अकाउंट में लेने के लिए गाइस आप सबको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में विड्रॉवल मनी का, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही इस वाले पे आप सब क्लिक करेंगे गाइस, तो अब आप सबके सामने पूरा डिटेल्स में आएगा। यहाँ पर जो भी लिमिट रहेगा स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो जितना अमाउंट आप सब लेना चाहते हैं उतना अमाउंट को यहाँ पर डाल लेंगे, जैसे कि हम 1000 के राशि को डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर रीजन पूछेगा कि आप सब किस लिए इस लोन को यहाँ पर लेना चाहते हैं। फिलहाल शॉपिंग के लिए डाले हैं। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप सबका बैंक अकाउंट पहले अगर ऐड नहीं किए रहेंगे, तो फर्स्ट टाइम में आप सबको यहाँ पर ऐड बैंक है, इस वाले पर आप सब जो है क्लिक कर लेंगे। और करने के बाद यहाँ पर देखिए इंटर योर बैंक डिटेल्स है। अब यहाँ पर आप लोग को अपना अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, और डालने के बाद आप सबका जो नाम होगा आधार पेन पे वो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप सब अच्छे तरीके से अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल करके वेरीफाई वाले पे क्लिक करेंगे, तो आप सबके बैंक अकाउंट में 1 रुपये डाल करके यहाँ पे आप सबका बैंक जो है वेरीफाई हो जाएगा। और होने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेरा बैंक यहाँ पर देखेंगे पहले से ऐड किया हुआ है, तो इस वाले पे आप सब जो है टिक कर लीजिएगा। और करने के बाद यहाँ नीचे विड्रॉवल मनी है, इस वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आप सब फर्स्ट टाइम जब इसके अंदर साइन अप करते रहेंगे उसी समय आप लोगों को 4 डिजिट MPIN डालने का ऑप्शन आता है। तो उस पिन को आप लोग यहाँ पे याद करके रखेंगे, क्योंकि अभी वो पिन आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम अपना पिन जो है यहाँ पर डाल दिए हैं। अब सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो फिलहाल यहाँ पे प्रोग्रेस में चला गया है। अभी फिलहाल हमारे बैंक अकाउंट में देखिए कि 1000 रुपये क्रेडिट हो चुका है, जो कि बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, और अमाउंट ट्रांसफ़र इन योर बैंक अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर भी मैसेज आ चुका है, और हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा आ चुका है, जो कि ऊपर से मैसेज आप सब यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपये इंस्टेंट अभी के अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, जो कि आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ यहां पर लेकर के दिखाए हैं। तो अगर दोस्तों आप सबको भी पैसे की ज़रूरत है, तो आप सब यहां पे फिनसरा से 5000 रुपये तक का लिमिट मिलता है। जिस हिसाब से सिविल स्कोर होगा उस हिसाब से स्टार्टिंग में आप लोगों को अमाउंट दिए जाएंगे। तो अगर आप सबको भी पैसे की ज़रूरत है तो आप सब यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप सबके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।